वाले हैं पोलार पैटर्न के बारे में। आप सभी लोग वैसे जानते होंगे इस चीज़ के बारे में, लेकिन जब भी आप माइक्रोफोन खरीदने जाते हैं तो आपको कहीं सारी दिक्कतें होती है। दुकान वाला आपको कुछ भी दे देता है और आप ले आते हैं, लेकिन साथ के साथ कभी कभी आप लोगों ने गौर किया भी होगा, आप जब भी कोई बॉक्स खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कोई भी माइक के पैटर्न पर पोलार पैटर्न या फिर मैं कहूँ पीक पैटर्न लिखा हुआ रहता है। ये चीज़ें होती क्या है, तो आइए हम जानेंगे इस चीज़ को। तो आइए शुरू करते हैं। पोलार पैटर्न, पोलार पैटर्न हमें ये बताता है कि जो माइक है वो अलग अलग दिशाओं से या मैं कहूँ कि अलग अलग साइडों से आने वाली आवाज़ों पर किस तरह से रिस्पॉन्स करता है या कितना अच्छी तरीके से उनको समझ सकता है। कॉमनली अगर हम पोलार पैटर्न की बात करते हैं तो कार्डियोड, ओमनी डायरेक्शनल, डायनामिक और साथ के साथ ही आपका सुपर कार्डियो और फिगर ऑफ एट या मैं कहूँ बाई डायरेक्शनल, ये माइक्रोफोन आते हैं। लेकिन जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो होते हैं डायनामिक और कार्डियो। लेकिन चलिए सबकी बात करते हैं, धीरे धीरे एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले ओमनी डायरेक्शनल की। जैसे कि अगर आप देखते हैं ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो ग्राफ है वो पूरा गोल आकार के अंदर है, जिसके अंदर 0 dB आपको फ्रंट है और 180 dB आपका बैक है। ये ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन का ग्राफ है। इससे पता चलता है, इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि जो ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन होता है ये 360 डिग्री पर वर्क करता है, मतलब 360 डिग्री के अंदर ये काम करता है। 360 डिग्री के अंदर इसका कार्य करने पर ये क्या करता है, जब भी आप इस माइक्रोफोन को आगे से बोलिए, पीछे से बोलिए, साइड से बोलिए, लेफ्ट से बोलिए या राइट से बोलिए, ये सेम वॉइस पिक करता है, मतलब कि ये 360 डिग्री पर वर्क करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अब कार्डियो पोलार पैटर्न की। कार्डियो हमेशा आप देखेंगे कि अगर कार्डियो का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो कार्डियो माइक्रोफोन इसका नाम क्यों है, क्यों, क्योंकि इसका जो पोलार पैटर्न है ये एक हार्ट शेप में रहता है, इसीलिए इसका नाम कार्डियो रखा गया है। इसको यूनिडायरेक्शनल भी बोल सकते हैं। ये सबसे बेस्ट माइक्रोफोन माना जाता है फॉर स्टेज एंड लाइव सिंगिंग और कॉन्सर्ट वगैरह के लिए। कारण मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप ग्राफ देख रहे हैं, ये एक हार्ट शेप टाइप में है, ये कार्डियो का ग्राफ है। अगर हम इसको देखते हैं तो यूनिडायरेक्शनल या मैं कहूँ कार्डियो माइक्रोफोन 0 डिग्री पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल जाता है कार्डियो के अंदर। साथ के साथ एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ये फीडबैक को भी अवॉइड करता है। मतलब कि मान लीजिए जैसे ये एक माइक्रोफोन है, अब ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है, लेकिन जब मैं इस पर यहाँ पर बोलूँगा तो ये बहुत अच्छा पिक पॉइंट है, मतलब कि अच्छी आवाज़ पिक करेगा, लेकिन अगर मैं इसके साइड में से बोलता हूँ इधर से या इधर से, तो इसकी आवाज़ बिल्कुल कम आएगी। कारण क्योंकि ये कार्डियो माइक्रोफोन है। कार्डियो माइक्रोफोन में यही रहता है कि 270 डिग्री या मैं कहूँ 90 डिग्री से आने वाली वॉइस को ये बिल्कुल भी कैच नहीं करता है, एक प्रकार से ना के बराबर ही कैच करता है। और 0 डिग्री पे इस पर बहुत ही बेस्ट रिस्पॉन्स है, आप इस ग्राफ को देखकर समझ गए होंगे। साथ के साथ ही मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर आप कार्डियो माइक्रोफोन यूज़ करते हैं या मैं कहूँ यूनिडायरेक्शनल माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल सिंगर के सामने से आपका फुट मॉनिटर दे सकते हैं। साथ के साथ इसमें आपको विस्लिंग की समस्या भी कम से कम महसूस होगी और ये एक प्रकार से फीडबैक को भी डिस्ट्रॉय करता है, मतलब कि आपको फीडबैक को देखने को नहीं मिलती है। इसलिए आप हमेशा माइक्रोफोन यूज़ करें तो कार्डियो या फिर मैं कहूँ यूनिडायरेक्शनल भी यूज़ कर सकते हैं। इसी कार्डियो पैटर्न के साथ एक आता है सुपर कार्डियो पोलार पैटर्न। लेकिन सुपर कार्डियो हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि ये पीछे से आने वाली नॉइस पर भी वर्क करता है। हाँ, इसमें एक फ़ायदा है, आगे से आवाज़ आएगी, पीछे से आएगी, लेकिन कम आएगी, पीछे से हाई, हालांकि पीछे की जो वॉइसेस है वो कैच करेगा ये, बट कम करेगा, तो ये हमें फीडबैक की समस्या दे सकता है। साथ के साथ ही आगे से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, लेफ्ट एंड राइट इसमें नहीं है। आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, मैंने ग्राफ डाला हुआ है, आप ग्राफ देखिए, ग्राफ में आपको समझ में आ जाएगा इसका पैटर्न। क्या होता है कि जब भी हम सिंगर को माइक्रोफोन देते हैं, स्टेज पर अगर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको
लेफ्ट एंड राइट में मॉनिटर रखना होगा। अगर आपने सामने इसको मॉनिटर रख दिया है तो आपको विसल की समस्या सबसे ज़्यादा महसूस हो सकती है सुपर कार्डियो माइक्रोफोन में। कार्डियो में ये दिक्कत नहीं आती है क्योंकि कार्डियो बैक साइड की नॉइसेस को बिल्कुल ही कट कर देता है, मतलब कि बिल्कुल भी नहीं लेता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम फिगर ऑफ एट या कहूँ बाई डायरेक्शनल माइक्रोफोन के बारे में। ये माइक्रोफोन ज़्यादातर स्टूडियो या मैं कहूँ जैसे कि स्टूडियो हो गया है आपका, कोई मीटिंग्स है, आरजे जोकी है आपका, रेडियो जोकी जिसकी बोलते हैं हम, वो है वहाँ पर, या फिर मैं कहूँ पॉडकास्ट वगैरह रिकॉर्ड करने में इन माइक्रोफोन का यूज़ किया जाता है। वैसे स्टूडियो माइक्रोफोन में फिगर ऑफ एट यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि इसका नाम फिगर ऑफ एट इसलिए है क्योंकि इसका जो पैटर्न है, जो देख रहे हैं आप ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ भी एट के आकार में बना हुआ, मतलब आठ के आकार में बना हुआ रहता है। ये 0 से 180 डिग्री तक की वॉइस को बहुत ही अच्छी तरह से पिक करता है और अच्छा आउटपुट भी देता है, ठीक है। लेकिन ये माइक हमें स्टूडियो में ही काम लेना चाहिए, इसके अलावा नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अब जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।